वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज से हमने स्टार्ट किया है क्लास नाइन्थ का मैथ्स। आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसका हमने उसका आपको उसकी फोटो भेज दी है उस बुक की व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आप देख लेना और हो सके तो किसी से ले लेना आस पास में जो बच्चे रहते हो। चैप्टर फर्स्ट उसका स्टार्ट किया है संख्या पद्धति, इसका नंबर सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इसको नंबर सिस्टम। लेक्चर फर्स्ट है ये, और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिनको नहीं पता है अभी तक उनको शेयर भी कर दें जिससे सबको पता चल जाए और क्लासेस भी मिल जाए। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक या प्राकृत एक ही बात होती है, प्राकृतिक संख्याएं। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब इसको समझते हैं, जैसे किसी चीज को हमको गिनना होता है कितने कितनी चीजें हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे जितनी काउंटिंग नंबर जितने भी संख्याओं को गिनते हैं, वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को n से प्रदर्शित करते हैं। अब ये n कहाँ से आया, संग्रह n, देखो इसका पहला लेटर क्या है, नेचुरल का n है, तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा n, तो इसीलिए इसको कैपिटल n से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल n इक्वल टू इसको समुच्चय सेट बोलते हैं, जब 11th में आओगे तो समुच्चय पढ़ाया जाएगा, इसको सेट बोलते हैं समुच्चय। ये संग्रह होता है, इसके दोनों तरफ मतलब ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं लगा होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, जिस जितनी भी आगे होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वस्तुओं की गणना की जाती है उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आगे आते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक बार और देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी तक इसमें देखा हमने जो प्राकृतिक संख्याएं थी नेचुरल नंबर थे उनमें शून्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये प्राकृतिक संख्याएं थी। जब पूर्ण संख्याएं जब बनती हैं तो इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है और ये प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो क्या बताएंगे, 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1 को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्या पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इससे बना समुच्चय जो बनेगा, सेट बनेगा, संग्रह बनेगा, वो कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल W कहाँ से आया, होल नंबर, होल से डिनोट करते हैं इसको, तो W इक्वल टू होल, इसका कैपिटल बड़ा W लेते हैं तो यहाँ पे हो गया, ये कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू मतलब ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखा हमने इसमें कि शून्य, तो इसमें शून्य प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता, जब पूर्ण संख्याओं की बात आती तो उसमें शून्य भी शामिल कर लिया जाता है। अब आगे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। बेस संख्याएं जिनमें धन कौमा ऋण संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं पूर्णांक कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें धन पॉजिटिव ऋण निगेटिव संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको इंटीजर ये आई क्यों डिनोट किया इसको, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो आई है, इसलिए इसको कैपिटल आई से हमने डिनोट कर दिया। अब इसका समुच्चय देख लेते हैं, संग्रह देखते हैं, तो इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, जो हमारे राइट हैंड पे होती है संख्या वो होती है पॉजिटिव, जो हमारे लेफ्ट हैंड पे संख्याएं होती है यानी कि बाएं हाथ पे जो होती है संख्या वो होती है निगेटिव, ऋण पूर्णांक और ये धन पूर्णांक। जो भी सीधे हाथ पे होती है पॉजिटिव, जो भी बाएं हाथ पर होती है वो होती है ऋण पूर्णांक। तो देखो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 इसी साइड, इसको लेफ्ट साइड में जब लिखेंगे -1, -2, -3, -4
ऋण पूर्णांक के हो गए -1, -2, -3, -4 और धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जीरो कैसी संख्या, जीरो कैसा कैसी संख्या है। जीरो है तो एक पूर्णांक, लेकिन क्या है वो जीरो? यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे देखते हैं पूर्णांक में जीरो जब भी आएगा, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में। जब भी धन की बात आएगी तो +1, +2, +3, +4 से स्टार्ट होगा। जब भी ऋण बंद नेगेटिव पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो -1, -2, -3, -4 से स्टार्ट होगा। और जीरो इज ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्याओं की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं की इंग्लिश होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां पी व क्यू पूर्णांक हैं। वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर q का मान जीरो होता है तो वह पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। जैसे 2/5, 4/-7, -3/11, -7/4 आदि। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, भले ही माइनस का पूर्णांक आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर जीरो क्यू क्यू पी बटे क्यू, अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, जैसे आप देखा पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे 4/, क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाती तो इसका मान जो होता है वो इनफाइनाइट या अनंत हो जाता है। इसीलिए क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं ए और बी के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला आ गया है, दो परिमेय संख्याओं ए व बी के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्याएं दे दी जाएंगी आपको, 5 व 6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, के बीच एक परिमेय संख्या, क्वेश्चन है ये परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a+b/2। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू a इक्वल टू 5 मान लेंगे और b इक्वल टू 6। तो a+b/2 फॉर्मूला पता हमको, तो a 5+6 और अपॉन 2, तो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, 11/2 आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना सब लोग, दो परिमेय संख्याओं a व b के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या बराबर a+b/2। तो 5 जैसे क्वेश्चन है, 5 व 6 के बीच के 6 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, a=5, b=6, a+b/2, 5+6/2=11/2, 5 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा स्टार्टिंग से जल्दी जल्दी एक बार और देख लेते हैं इसको। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं को कैपिटल एन, चूंकि यहाँ पे हमने कैपिटल एन से इसको डिनोट किया नेचुरल नंबर को, तो इन संख्याओं के संग्रह को भी हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं और ये मिडिल ब्रैकेट लगा के इनको 1, 2, 3, 4 करके लिख देते हैं। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1, 2, 3, 4 का समुच्चय या सेट या संग्रह था, तो अब अगर इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी इससे जो संग्रह बनेगा हमारा, ये W यहाँ से लिया हमने, इसका होल नंबर से स्टार्टिंग था तो W इसका पहला लेटर ले लिया, कैपिटल W इक्वल टू समुच्चय या सेट या संग्रह 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। अगर 0 सम्मिलित हो जाए तो संख्या क्या कैसे बन जाती, पूर्ण संख्या। और क्वेश्चन आता है कैसे 0 का कैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 आंसर देंगे ना कि 1 देंगे। पूर्णांक देखते हैं, वे संख्याएं जिनमें धन ऋण संख्याएं तथा शून्य सभी होते हैं पूर्णांक कहलाती है। तो इसको इंटीजर से जोड़ करते, इसलिए यहाँ से आई से जोड़ कर दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4 और इधर इस इतने इधर माइनस में भी, लेफ्ट में माइनस राइट में पॉजिटिव, तो -1, -2, -3, -4 ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, लेकिन कभी भी क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, जैसे -2/5, -4/-7, -3/11, -7/4। ये नीचे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमने समझाया पी बटे क्यू 4/0, अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई, अगर ये देखो क्यू की वैल्यू अगर 0 कर दी, तो इसका मान जो है अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये पांचवा नंबर देखते हैं, दो परिमेय संख्याएं ए व बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र। एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है a+b/2। तो ये एग्जाम्पल हमने समझाया, जैसे 5 व 6 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ए की वैल्यू 5 वाली, बी की वैल्यू 6, तो a+b/2, 5+6/2 इक्वल टू 11/2 आंसर। अब जो बच्चे, ये बच्चों स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि वो इसको एक कॉपी में नोट करें, और ये आरएस अग्रवाल की बुक से, क्लास नाइन्थ की बुक से एक्सरसाइज 1.1 का अभ्यास करें। अभ्यास करें, अगर ना आएगी तो हम नहीं आएगी तो भी हम पूरी एक्सरसाइज तो कल लेक्चर 2 में, जब कल लेक्चर 2 कराएंगे तो वहां पे 1.1 एक्सरसाइज करवाएंगे। इसलिए आज ये सभी चीजें पढ़ लें ध्यान से, क्योंकि इन्हीं का आगे यूज होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 में। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने नहीं जुड़ पाए हैं यूट्यूब चैनल से, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस से, वो लोग जुड़ जाए और क्लासेस लेना प्रारंभ करें, और बकायदा नोट्स बनाएं इसके, जिससे कोई दिक्कत ना हो बाद में। ओके, थैंक यू।